नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के दौरे के दौरान परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान। भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब तक सेल एक अधिकृत खनिक था, लेकिन निकट भविष्य में सेल खनिक सौदागर बन सकता है। और लता मंगेशकर की 90वीं वर्षगांठ पर इस्पात शहर के गायकों ने बांधा एक शानदार समा। अब समाचार विस्तार से। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 सितंबर 2019 को राउरकेला स्टील प्लांट का दौरा किया। उन्होंने एक दिवसीय बैठक के दौरान स्टील प्लांट का परिदर्शन किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की एवं ग्राहकों के साथ बातचीत की। उन्होंने परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और क्षेत्रीय विकास के लिए अधिक से अधिक योगदान देने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री सबसे पहले एचआरडी सेंटर के मॉडल रूम में गए। वहां उन्हें पूरे प्लांट की कार्यकारिता से अवगत कराया गया और एक सुरक्षा फिल्म दिखाई गई। इसके बाद माननीय मंत्री ने हॉट स्ट्रिप मिल 2 के प्रोजेक्ट स्थल का दौरा किया और हो रही प्रगति और भविष्य की योजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद वे न्यू प्लेट मिल गए। उन्होंने यूनिट का दौरा किया, प्लेटों की रोलिंग देखी और मिल के सामने प्रगति उद्यान में एक पौधा रोपण किया। उन्होंने शॉप फ्लोर पर कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। माननीय मंत्री ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, राउरकेला ओडिशा का एक बौद्धिक केंद्र है और इसने राज्य के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए भी बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद माननीय मंत्री ने चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्र के विकास की दिशा में राउरकेला स्टील प्लांट के महत्वपूर्ण योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने प्लांट के कार्यों में डिजिटलीकरण का लाभ उठाने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री गौतम बनर्जी ने आरएसपी की कार्यकारिता के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। माननीय मंत्री ने ग्राहकों के साथ भी एक बैठक की। उन्होंने ग्राहकों के साथ बातचीत करते हुए कहा, क्षेत्र के विकास और औद्योगिकीकरण में इस्पात परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आरएसपी की बिक्री बढ़ाने के लिए राउरकेला में और इसके आसपास और अधिक उपभोग केंद्र बनाने पर बल दिया। श्री प्रधान ने बाजार की बदलती मांगों का अध्ययन करने के लिए ग्राहकों के साथ नियमित बातचीत करने पर भी जोर दिया। माननीय मंत्री के साथ सुंदरगढ़ के माननीय सांसद और रक्षा के संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री जुएल ओराम, माननीय विधायक बीर मित्रापुर श्री शंकर ओराम, संयुक्त सचिव इस्पात श्री पुनीत कंसल, इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव श्री रघुराज माधव राजेंद्रन आईएएस, माननीय मंत्री के एपीएस श्री दीपक कुमार दास आईएएस, सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशक वाणिज्यिक सुश्री सोमा मंडल, निदेशक कार्मिक श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी श्री हरिनंद राय, आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज एवं राउरकेला के एडीएम डॉ. विजय येदुल्ला थे। इससे पहले सुबह में माननीय मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों, हाईटेक मेडिकल कॉलेज के छात्रों, सरकारी अधिकारियों, एनबीसीसी, जीएआईएल, एनएचएआई आदि के अधिकारियों से मुलाकात की। भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 सितंबर 2019 को राउरकेला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा,
अब तक सेल एक अधिकृत खानिक था, लेकिन निकट भविष्य में सेल खानिक सौदागर बन सकता है। माननीय मंत्री के साथ सुंदरगढ़ के माननीय सांसद एवं रक्षा संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री जोएल ओराम, बीरमित्रपुर के माननीय विधायक श्री शंकर ओराम और सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी भी मंच पर उपस्थित थे। माननीय मंत्री ने इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए कहा कि सेल के पास 70 एमटी के निम्न ग्रेड लौह अयस्क संसाधन है। नीति संशोधनों के साथ इन अयस्कों को मूल्य वर्धित कर बेचा जा सकता है, जिससे सेल की लाभप्रदता बढ़ेगी। यह हस्तक्षेप ओडिशा में सेकेंडरी क्षेत्र के लिए खनिज की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इस्पात उद्योग के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री प्रधान ने कहा, विश्व भर में इस्पात व्यवसाय बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय इस्पात उद्योग इन कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूती के साथ उभरे। विभिन्न पहलों के साथ हम वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय कच्चे इस्पात की क्षमता को वर्तमान 140 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की योजना बना रहे हैं। माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने राउरकेला स्टील प्लांट की चालू परियोजनाओं के निष्पादन और प्रगति की भी समीक्षा की। आरएसपी की कुछ शेष परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और क्षमता को राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। माननीय मंत्री ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सुंदरगढ़ जिला विश्व स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए राउरकेला को क्रीड़ा केंद्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सेल कर्मचारियों के वेज रिवीजन, इस्पात शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य और राउरकेला में उड़ान योजना की शुरुआत से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इससे पहले माननीय मंत्री ने स्टील प्लांट के विभिन्न ट्रेड यूनियनों और आरएसपी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और विचार विमर्श किया। तीस तारीख सवेरे उन्होंने राउरकेला से प्रस्थान किया। सेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें राउरकेला हवाई अड्डे पर स्नेहपूर्वक विदा किया। 28 सितंबर को सिविक सेंटर में लता मंगेशकर की 90वीं वर्षगांठ पर इस्पात शहर के गायकों ने लता मंगेशकर के चिर प्रतिष्ठित गानों द्वारा एक शानदार समा बांधा। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ये शाम में कलाकारों ने मधुरतम संगीत पेश किया, जिसका आनंद दर्शकों ने भरपूर उठाया। इस अवसर पर सेल आरएसपी के महाप्रबंधक प्रभारी परियोजना श्री अतनु भौमिक, सेल आरएसपी के महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं क्रय श्री एन के सामंतराय और चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ फैकल्टी श्री बी डी शिवहरे सम्मानित अतिथि थे। गणमान्यों ने प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह शो बसव दत्त द्वारा ज्योति कलश छलके की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद नैना बरसे, सुनो सजना, रोज शाम आती थी, मेरे ख्वाबों में जो आए, आज फिर जीने की तमन्ना है, जिहाले मस्ती, हम बने तुम बने एवं भारतीय संगीत के अन्य गीतों के बोल और धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बलजीत सिंह ने लता मंगेशकर की दो मधुर धुनों को अपने सैक्सोफोन और बांसुरी पर प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। वासव दत्ता, ईति, निवेदिता, माधवी, सत्यदास, सत्यमोहंती, संतोष, तपन, सुखपाल और देवजीत ऐसे गायक थे जिन्होंने पूरी शाम दर्शकों को बांधे रखा। यह शो कलाकारों द्वारा फिल्म आनंद मठ से वंदे मातरम की मर्मस्पर्शी प्रस्तुति के साथ समाप्त हुआ। प्रारंभ में गजाला फिरदौस ने सभा का स्वागत किया, प्रीतिजा ने शो का संचालन किया, जबकि शशांत पटनायक ने शो के अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। हिंदी समाचारों का यह बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।